तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 50 पैसे के कुछ कॉइन्स है जो स्टील में बने थे, ठीक है। इस तरीके के जो कॉइन्स है स्टील में जो बने थे, लगभग 1988 से 2007 तक ये कॉइन्स चलन में रहे, और आज भी ये रेगुलर कलेक्शन में किसी किसी के पास मिल जाते हैं। बहुत लोगों के पास स्टॉक में रखा हुआ होता है। तो ये कॉइन मेरे को किसी पहचान वाले ने दिया था, इतने सारे कॉइन्स। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें चेक भी कर लूँगा कौन से कॉइन्स थोड़े से मुझे प्राइस जिसका मिल सकता है उसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, और थोड़े यूएनसी टाइप के जो होंगे जिसकी मतलब कंडीशन अच्छी होगी उसको भी साइड में कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनको थोड़ा सा निकाल लिया यहाँ पे, जिनकी कंडीशंस अच्छी है और जिनका कुछ थोड़ा सा वैल्यू भी है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉइन्स आप भी ढूंढ सकते हैं, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसमें से आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि जो कॉइन्स है वो कौन से ईयर के, कौन से मिंट के है, ठीक है, और फिर कंडीशन कैसी है उनकी। अभी ये कोई वैल्यूएबल कॉइन नहीं है, कोई रेयर कॉइन नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी थी इसके लिए मैंने इसको साइड में रखा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा पहले, अभी इतने सारे कॉइन में मुझे 4-5 कॉइन ही मिली है जिनकी कुछ कीमत है, मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन ठीक ठाक कीमत है। समझ लीजिए किसी की 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की कीमत वाले 2-4 कॉइन मिले। अब ये लगभग कॉइन होंगे कम से कम 150-200 कॉइन के करीब होंगे, इसमें से ये चीज़ मिली है, ठीक है। तो ऐसा होता है कलेक्शन करना जो है, आपको मार्केट से इस टाइप के कॉइन्स कलेक्ट करना है, अपने जान पहचान वालों में बोल के रखना है, जहाँ पे ज़्यादातर कलेक्शन इस टाइप का आता जाता रहता है जिनके पास, उनसे आपको बात करनी चाहिए, वो लोग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे देने में। अब ये कैसा है, उनसे आपको डील करना पड़ेगा कि इस तरीके की डील आपकी जो भी है, जो भी डील आप फाइनल करोगे उस हिसाब से आपको ये बाय करके कलेक्शन करके और कुछ पैसा अपने जेब से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब आपके पास एक अच्छा कलेक्शन बनना स्टार्ट होगा। और जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर वीडियो में कि शॉर्ट टर्म सोच करके ये फील्ड में नहीं आना है कि आज मैंने मतलब स्टार्ट किया तो मेरा पहले महीने में ही कुछ पैसा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, मतलब कि इसमें नॉलेज लेने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। मैं लगभग 1 साल से देख रहा हूँ, 1 साल से देखने के बाद जो लास्ट अभी 2 से 3 महीने मैंने सीखा है वो पूरे 7-8 महीने में नहीं सीख पाया मैं। तो ये 2 से 3 महीने में जो चीज़ें मुझे पता चली उससे ये समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा लोगों से नेटवर्क बनाना पड़ेगा आपको जो इस फील्ड के हैं। तो उससे रिलेटेड ही एक वीडियो चल रहा था, तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को उसकी आवाज़ एटलीस्ट सुना दूँ। क्या होता है कभी कभी, फिर वो हम अगर वीडियो दिखाते हैं दूसरे की तो स्ट्राइक आने का चांस होता है, तो मैं कम से कम आवाज़ ही सुना देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या बोला है, सुन लीजिए आप। एक दूसरे से मिलने के बाद, हाँ, सबसे बड़ा इसमें न्यूमिस्मेटिक लाइन में सबसे बड़ा चीज मैटर करता है फील्ड। आपको अपना फील्ड बनाना चाहिए, आपको अपने जैसे न्यूमिस्मेटिक जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन सब चीजों को कलेक्ट करते हैं जो जो लोग, उनसे आपको दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें क्या है कि नॉलेज कोई ऊपर से लेके नहीं आया है, सबके पास अलग अलग नॉलेज है। मेरे को इस बंडल का नॉलेज है तो उत्सव भाई को कोई और बंडल का नॉलेज होगा। तो आपको सबसे पहले अपना फील्ड बनाना पड़ेगा, फिर ही आप कोई चीज बाय करें मार्केट से, भले ही वो 500 रुपए का हो, मगर पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लें। और तो यही है, जानकारी लेनी है तो समझ लीजिए आप पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे तो इस फील्ड से कमा पाएंगे। और इसको साइड बाय साइड ही करना है, मेन स्ट्रीम बिजनेस बनाकर डायरेक्ट अगर आप करने जाएंगे तो ये मेरी एडवाइस नहीं है कि इसमें बहुत कुछ पैसा, बहुत कम लोग ऐसे मतलब सक्सेस हुए हैं इसमें, तो उनको देख करके हम सोचेंगे कि हम भी ऐसे ही कुछ करना स्टार्ट कर देते तो थोड़ा सा हम इसमें गलती कर सकते हैं। आप इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करना है, हॉबी के हिसाब से आपको क्रियोसिटी होनी चाहिए कि मेरे पास
मतलब आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड का। आप खुद इसका कलेक्शन करने वाले बनोगे तो ही आप आगे इसका बिजनेस भी कर पाओगे। सिर्फ आप डायरेक्ट ये नियत से आओगे कि मैं आज बाय कर लेता हूँ और उसको आज के आज कल के कल किसी को सेल कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ही नहीं कई लोगों का एक्सपीरियंस है। लोगों ने इसमें 5 5 10 10 साल लगा दिए, उसके बाद जा करके आज वो लाखों करोड़ों रुपए में इसमें मतलब डेली डेली तो नहीं कहूँगा, मतलब मंथली या ईयरली अच्छा पैसा ये लोग कमा रहे हैं डीलर बन के, या फिर ऑक्शन हाउसेस के साथ काम करके इस टाइप का इनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगा तब जाके उन्होंने अपना वो मकाम बनाया है। तो ये बस एक छोटा सा वीडियो बना रहा था, एक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा था कि इस टाइप के भी कॉइन कलेक्शंस में अगर आपको मिलते हैं तो उसमें से आप शॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं। बहुत लोग मुझे भेज देते हैं फोटो इस टाइप के कॉइन्स का कि उनको लगता है शायद ये कोई रेयर कॉइन है, बिकॉज ऐसे कॉइन्स के बहुत सारे फ़ोटो वाले वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसका 5 लाख 10 लाख 20 लाख सब लोगों ने डाला हुआ है जो फ्रॉड करते हैं वो लोग। तो अब मैं अगर किसी को बोलूँ भाई कोई है कॉइन जिसकी वैल्यू ठीक है, जैसे 500 रुपये तक उसकी वैल्यू है, तो उनको लगता है ये शायद गलत प्राइस बताई जा रही है। 500 तो नहीं होगी, जब 5 लाख की बात 10 लाख की बात चल रही है तो कम से कम 50 हज़ार 25 हज़ार तो होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बड़े ख्वाब देख करके आओगे आप, सोचोगे कि मैं चिल्लर से लाखों रुपया कमा लूँ, तो ये डायरेक्ट होने वाला नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक लिस्ट भी बना के रख रहा हूँ कॉइन्स की। ये लिस्ट रहेगी, जो जिनको चाहिए रहेगा वो मुझे व्हाट्सएप से ये लिस्ट मंगवा सकते हैं। इसमें 1 पैसे से लेके 10 रुपये के जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं, हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की पूरी लिस्ट इसमें आपको मिलेगी। इसमें लिखा हुआ रहेगा ईयर कौन सा है, कॉइन का मेटल कौन सा है, कॉइन का मिंट मार्क कौन सा है, कॉइन की कैटेगरी क्या है, स्केयर है रेयर है, ठीक है। फिर इसके अलावा उसकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या है, ठीक है। इस टाइप के कुछ लिस्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोग उससे मतलब इजीली समझ पाओ कि आपके हाथ में जो कॉइन आया है उसकी क्या प्राइस है। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अगर आपको सीखना है इस फील्ड को तो मैं कहूँगा कि आपको आसान तरीका ये है कि कोई सीखे हुए बंदे से आपको सीखना है। हालांकि मैं खुद अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन इतनी जानकारी है कि मैं एक न्यू न्यूमेटिक कोई कलेक्टर बनना चाहता है तो उसको इतना तो सिखा दूंगा कि कौन से कॉइन्स उसको देखने हैं, कौन कौन सी इसमें फील्ड है, जो अलग अलग थीम में भी फील्ड है इसमें। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ओल्ड कॉइन में मिंट मार्क वगैरह देख कर ही काम करते, इसमें थीम वाइज भी काम होता है, बहुत अलग अलग इसमें मतलब टाइप्स भी है काम करने के, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। फिर आप इतना सीख जाओगे कि आप एक अपना खुद का साइड बाय साइड बिजनेस कर सकते हैं। तो 3 दिन का कोर्स है, डिटेलिंग हर वीडियो में ज़्यादातर वीडियो में दी जाती है, आप चेक करो उसको क्या क्या चीज़ें ओवरव्यू दिया गया है इसमें कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें सीखने मिलेगी। वैसे जो ओवरव्यू दिया गया है उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें और अवेलेबल है, जस्ट एक ओवरव्यू इसमें दिया हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। चलिए बाय।